फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक मिक्सिंग एंड होमोजिनाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम डायग्रामेटिकली भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्सिंग के डेफिनेशन की। तो इट इज ए यूनिट ऑपरेशन इन विच टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इन सेपरेटली और रफली मिक्स्ड, सो इच पार्टिकल लाइज एज नियरली एज पॉसिबल, आपस में मिक्स हो जाए जिससे कि हर एक पार्टिकल पास पास आ जाए जितना पॉसिबल हो सके। एंड दिस प्रोसेस इज यूज टू अचीव होमोजिनिटी, टू इंक्रीज डिफ्यूजन एंड डिजोल्यूशन, टू फैसिलिटेट डिस्पर्सन, टू एंश्योर स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, एंड टू प्रमोट केमिकल रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम बात करें टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में, तो जनरली थ्री टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव मिक्सचर्स, जिसे हम बोलते हैं मिसिबल मिक्सिंग, यानी दोनों आपस में कंपोनेंट मिसिबल हो जाते हैं और ये जनरली लिक्विड और सॉलिड के बीच में रहता है। इट इज इरिवर्सिबल मिक्सिंग एंड फॉर्म्ड फ्रॉम गैसेस एंड मिसिबल लिक्विड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। जैसा कि हम देखते हैं, शुगर को अगर, चीनी को अगर हम वाटर में घोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव मिक्सचर, यानी ये आपस में मिसिबल हो गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव मिक्सचर। इट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर मिक्सिंग एंड डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। जब कभी भी हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी महसूस होगी। जैसा कि एग्जाम्पल देखें हम, टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म एमल्शन। जैसे कि वाटर और ऑयल को आपस में हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, तो ये नेगेटिव मिक्सचर्स कहलाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट रहता है आपका न्यूट्रल मिक्सचर्स। इट इज़ नेदर मिक्सिंग नॉर डी मिक्सिंग, मीन्स नो टेंडेंसी टू मिक्स स्पॉन्टेनियसली और टू सेग्रीगेट वेन मिक्स्ड। नेक्स्ट देखते हैं मिक्सिंग की मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लिक्विड के लिए तो इट रिक्वायर्स लोकलाइज्ड मिक्सिंग एंड जनरल मूवमेंट। पाउडर की बात करें तो इट इज़ ए न्यूट्रल मिक्सचर एंड थ्री मैकेनिज्म में इन्वॉल्व टू प्रिपेयर ए पाउडर। सबसे पहला आपका मैकेनिज्म हो गया कन्वेक्टिंग मिक्सिंग, यानी मैक्रो मिक्सिंग, बल्क मूवमेंट ऑफ ग्रुप्स और पार्टिकल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर इज कॉल्ड कन्वेक्टिंग मिक्सिंग, एंड इट अकर्स बाय इन्वर्जन ऑफ पाउडर बेड यूजिंग ब्लेड्स और पेडल। इसमें हम जो पाउडर का बेड रहता है उसको बार बार इन्वर्जन करते रहते हैं बाय यूजिंग ब्लेड्स और पेडल्स, और इसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव मिक्सिंग। फ्रेंड्स, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हम आगे देखेंगे, जिसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको ये इजीली समझ में आ सके। नेक्स्ट मैकेनिज्म रहेगी डिफ्यूजन मिक्सिंग या माइक्रो मिक्सिंग। इसके अंदर क्या रहेगा, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद इन ए पाउडर सैंपल एंड चेंज इन पोजिशन रिलेटिव टू वन अनदर। एंड लास्ट सीयर मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मिक्सिंग के इक्विपमेंट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड मिक्सर्स के बारे में। तो सबसे पहला इसका इक्विपमेंट रहेगा आपका प्रोपेलर मिक्सचर। फ्रेंड्स, इट इज़ यूज फॉर लो विस्कस लिक्विड एंड रोटेटेड लेस देन 8000 रोटेशन पर मिनट। इट इज़ नॉट यूज फॉर ग्लिसरीन, लिक्विड पैराफिन, कैस्टर ऑयल एंड एमल्शन। इनके लिए ये यूज़ में नहीं लिया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, प्रोपेलर का जो फैन रहता है उसका पार्ट टिल्ट रहता है हल्का सा आगे की तरफ, तो झुका हुआ और ऊपर की तरफ उभरा हुआ। वेरियस ऑफसेट एंगल्ड पुश पुल बेफल टाइप प्रोपेलर इज यूज फॉर लिक्विड मिक्सिंग। ये लिक्विड मिक्सिंग में काम में आ सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका टर्बाइन मिक्सर। फ्रेंड्स, अगर हम टर्बाइन मिक्सर की बात करें तो इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से रहेगा। इट कंटेन इम्पेलर एंड इज यूज फॉर विस्कस लिक्विड। जो भी आपका विस्कस लिक्विड है उसके लिए हम टर्बाइन मिक्सर को यूज में लेते हैं, लाइक सिरप, लिक्विड पैराफिन एंड ग्लिसरीन ड्यू टू हाई सीयर फोर्स यूज इन एमल्सिफिकेशन, एंड इट इज़ नॉट यूज फॉर सस्पेंशन। ये जनरली हम सस्पेंशन के लिए काम में नहीं लेते हैं। एमल्सिफिकेशन के लिए, सिरप के लिए, लिक्विड पैराफिन या ग्लिसरीन के लिए हम टर्बाइन मिक्सर को यूज़ में ले सकते हैं।
वेरियस फ्लैट एंड कर्व्ड ब्लेड पिच्ड वेन एंड टिल्टेड टाइप टर्बाइन इज यूज फॉर मिक्सिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम पेडलर मिक्सर। फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फार्मास्यूटिक्स से संबंधित लगभग 20 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। तो अब नेक्स्ट देखते हैं पेडल मिक्सर। फ्रेंड्स अगर हम पेडल मिक्सर्स की बात करें तो इस तरीके का डायग्राम है जिसमें पेडल बने हुए रहेंगे और जिस भी लिक्विड सब्सटेंस को हमें मिक्स करना है वो उस पोर्ट के अंदर रख देंगे और उसको रोटेट करेंगे तो ये पेडल आपस में घूमते रहेंगे जिससे कि एजिटेशन होगा और मिक्सिंग होगी। एजिटेटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड रोटेटेड 100 रोटेशन पर मिनट। इट इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ लो विस्कोसिटी। अगर लो विस्कोसिटी के लिक्विड हैं तो उनके लिए हम पेडल मिक्सर काम में लेते हैं और हायर विस्कोसिटी वाले लिक्विड के लिए हम ले रहे थे टर्बाइन मिक्सर। इस चीज़ को आप अच्छे से लर्न करें क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड मिक्सर्स या पाउडर मिक्सर्स। फ्रेंड्स सॉलिड मिक्सर्स या पाउडर मिक्सर्स की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप रहेगा वो है रिबन ब्लेंडर मिक्सर या ड्राई मिक्सर एंड इट इज़ कन्वेक्टिव मिक्सिंग यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग फ्री फ्लो मटेरियल ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड डेंसिटी। अगर मान लो आपका फ्री फ्लो मटेरियल है जिसकी साइज़ यूनिफॉर्म है या उसकी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे हम रिबन ब्लेंडर मिक्सर या ड्राई मिक्सर को यूज़ कर सकते हैं कोई भी पाउडर कंपाउंड के लिए। और इसका आप डायग्राम देख रहे हैं जिसमें पतले पतले रिबन लगे हुए हैं मेटल के और ये रोटेट करते हैं तो साथ साथ में पाउडर रोटेट करके मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टम्बलिंग मिक्सर के बारे में। इट इज सीयर एंड डिफ्यूजन मिक्सिंग, रोटेशन स्पीड इज 30 to 100 रोटेशन पर मिनट एंड वेरियस ट्विन वी शेप डबल कॉन क्यूबिकल वाई शेप्ड एंड सिलेंड्रिकल टाइप टम्बलर इज यूज फॉर मिक्सिंग। ये टम्बलर पूरा का पूरा रोटेट होता है, जिस भी पाउडर को हमें मिक्स करना रहता है उसको हम इस टम्बलर के अंदर पैक कर देते हैं और उसको रोटेट करते हैं तो वो बार बार ऊपर नीचे होगा जिससे कि उसका मिक्सिंग बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सेमी सॉलिड मिक्सर्स के बारे में। फ्रेंड्स सेमी सॉलिड मिक्सर्स के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो है एजिटेटर मिक्सर और इसके अंदर जो आपके सब पार्ट रहेंगे वो है प्लेनेटरी मोशन मिक्सर। फ्रेंड्स अगर हम प्लेनेटरी मोशन मिक्सर की बात करें तो इसमें सेमी सॉलिड मास इज कट अपार्ट एंड फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन ए स्टेशनरी वाल एंड मूविंग ब्लेड। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं नीचे जो कटोरा बना हुआ है वो स्टेशनरी वाल की तरह काम कर रहा है और ऊपर मूविंग ब्लेड्स है जो रोटेट करेगी। इसके अंदर हम सेमी सॉलिड डाल देंगे और उसको मिक्सअप कर सकते हैं। इट कंटेंस एंकर टाइप पेडल विच प्रोवाइड्स पुलिंग एंड नीडिंग एक्शन एंड इट इज यूज फॉर पेस्ट ऑइंटमेंट पिल मास टेबलेट ग्रेनुलेशन मास एंड विस्कस मटेरियल। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं हम सिग्मा ब्लेड मिक्सर जिसको हम बोलते हैं जेड ब्लेड या डबल कॉन मिक्सर। फ्रेंड्स इट इज नीडिंग मशीन विच कंटेन ओपन थ्रू एंड ब्लेड यूज फॉर पिल मास ऑइंटमेंट एंड टेबलेट ग्रेनुलेशन मास। बेनबरी मिक्सर इज मॉडिफाइड सिग्मा ब्लेड मिक्सर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। जैसा कि यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं सिग्मा ब्लेड मिक्सर के अंदर जिसमें जेड ब्लेड लगी हुई है जेड टाइप की और इसमें मिक्सिंग होगी। इसको हम क्लोज कर देंगे और ये जेड ब्लेड कंटिन्यू रोटेट होती रहेगी और आपका जो भी ऑइंटमेंट या सेमी सॉलिड सब्सटेंस है वो उस ब्लेड की वजह से आपस में मिक्सअप होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सेमी सॉलिड मिक्सर के बारे में सीयर मिक्सर। फ्रेंड्स सीयर मिक्सर के अंदर जो एग्जांपल है वो है ट्रिपल रोलर मिक्सर। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से रहेगा। 3 to 5 रोलर्स आर यूज टू क्रश मटेरियल बिटवीन देम एंड इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर इन क्रीम एंड ऑइंटमेंट। जब कभी भी हम क्रीम एंड ऑइंटमेंट के अंदर सॉलिड पाउडर को मिक्स करते हैं तो ट्रिपल रोलर मिक्सर को यूज़ में लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर फीडिंग वाला पार्ट लगा हुआ हॉपर, उसी के अंदर हम पार्टिकल डाल देंगे और ये जो आपके दोनों शुरू के रोलर है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और जो आपका सब्सटेंस है पहली बार तो फर्स्ट मूव में प्री डिस्पर्स हो जाएगा और सेकंड मूव में ये फाइन डिस्पर्स के रूप में प्रोड्यूस होकर बाहर निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कोलोइडल मील। फ्रेंड्स इट रिड्यूसेस पार्टिकल टू 1 micron बाय ग्राइंडिंग। जैसे आप आटा पीसने की चक्की देखते हो वैसे ही कोलोइडल मील होती है। इट कंटेन स्टेटर एंड रोटर, द रोटर स्पीड इज 3000 to 20000 रोटेशन पर मिनट। जैसा कि आपने देखा होगा कई बार जब शादी समारोह होते हैं तो काजू पीसने के लिए या दाल पीसने के लिए जो मशीन होती है वो कोलोइडल मील होती है। इट इज़ यूज फॉर लोशन एमल्शन सस्पेंशन ऑइंटमेंट एंड क्रीम। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग
125 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें या फिर हमारी वेबसाइट www.pharmaconcept.in पर जाके साइन अप करके देखें। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इंटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बाई पासिंग देम अंडर प्रेशर थ्रू ए नेरो ओरिफिस। ये जनरली एमल्सन्स के लिए काम में आता है जहाँ पे हम लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉलर ग्लोब्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो है क्यूपी एमल्सीफायर, सिल्वर सन मिक्सर एमल्सीफायर, अल्ट्रासोनिक एमल्सीफायर एंड कोलोइडल मील। साइज रिडक्शन अकर्स ड्यू टू सीयरिंग बिटवीन रोटर एंड स्टेटर पार्ट ऑफ मील, इट इज कॉल्ड कोलोइडल मील। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज मील यूज्ड फॉर ऑइंटमेंट प्रिपरेशन इज ऑप्शन ए कटर मील, ऑप्शन बी ट्रिपल रोलर मील, ऑप्शन सी हैमर मील एंड ऑप्शन डी बॉल मील। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।